जी हाँ दोस्तों, तिहाड़ जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं बल्कि दो बारी ओलंपिक विजेता पहलवान है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज, साल 2012 में लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर भारत देश को गौरवान्वित होने का दो बारी मौका दिया था इस पहलवान ने। आपने देखा ही होगा हाल में टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों की कितनी ज़्यादा यहाँ पर सराहना की जा रही है, तो कुछ इसी तरीके से कभी सुशील कुमार का नाम था। लेकिन सुशील कुमार की आंखों में आंसू किस वजह से आए थे आपको ये बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, जब पहलवान सुशील कुमार को पता लगा कि वो सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में बुरी तरीके से फंस चुका है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। जब वो जेल की सलाखों के पीछे आया तो पहली बात तो ये कि वो काला जठड़ी की पहुंच से दूर हो चुका था और पुलिस की पूरी तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी में था। दूसरी बार दोस्तों, यहाँ पर कोविड केसेस के चलते उसको परिवार से मिलने की इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए थे। जन्मदिन वाले दिन भी खबरें सामने आई थी कि सुशील कुमार काफ़ी रोए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तब रोए थे जब उन्होंने अपने परिवार से बात की थी। जी हाँ दोस्तों, जेल के अंदर परिवार को आने की इजाज़त नहीं थी कोविड केसेस की वजह से, तो उनको परिवार से बात कराई गई थी फ़ोन के ज़रिए। उस दौरान सुशील कुमार काफ़ी तेज़ रोते नज़र आए थे, फूट फूट कर रोते नज़र आए थे और बार बार यही कह रहे थे कि ना जाने ये सब कब हो गया। तो एक तो अपने परिवार के लिए रोए थे, दूसरा दोस्तों जब उनकी आंखों में आंसू आए थे, जो जेल की सलाखों के पीछे से खबर आई थी वो ये था कि जब रवि दहिया सिल्वर मेडल जीते थे टोक्यो ओलंपिक में। अब दोस्तों, सिल्वर मेडल जीतने के बावजूद भी सुशील कुमार की आंखों में आंसू क्यों आए, क्योंकि दोस्तों वो फाइनल बाउट हार गए थे जिसमें गोल्ड मेडल दांव पर लगा था। अगर वो जीत जाते तो गोल्ड मेडल जीत जाते और सुशील कुमार यही चाहते थे कि रवि दहिया गोल्ड मेडल जीते। अब दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं कि एक सुशील कुमार का शिष्य सागर धनखड़ था जिसके खिलाफ सुशील कुमार ने बड़ा कदम उठाया, दूसरी तरफ रवि दहिया है जिसके लिए सुशील कुमार जेल की सलाखों के पीछे भी आंसू बहाते नजर आए। तो ये मौके दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक अपने आप में इमोशनल कर देने वाले हैं, लेकिन सुशील कुमार अब बुरी तरीके से फंस चुका है। देखते हैं दोस्तों क्या इनके खिलाफ यहाँ पर बड़ा एक कोर्ट की तरफ से फैसला आता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।